म्यांमार में बदलाव। सन 2008 में म्यांमार में कई तरह के बदलाव हुए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैनिक शासन ने जनमत संग्रह का आदेश दिया, परंतु जनमत संग्रह नहीं कराया गया। देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रख दिया गया। सन 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में म्यांमार में चुनाव हुए। सेना द्वारा सहायता प्राप्त यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP ने ये चुनाव जीत लिया। नए राष्ट्रपति थेन सेन बन गए। सन 2011 में म्यांमार में 45 सीटों के लिए उपचुनाव हुए। इन चुनावों में सूकी की पार्टी NLD ने भी भाग लिया और 43 सीटें जीत लीं। 2015 के आम चुनाव के घोषित चुनाव परिणाम के अनुसार सूकी की पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिला। 15 मार्च 2016 में श्रीकाओ के शपथ ग्रहण के साथ म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई।